हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत सियाहती मकाम मलका कोहसार यानी मरी में, और जो खूबसूरत और दीदा जेब चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है लॉरेंस कॉलेज चैपल, जो कि इसी खूबसूरत शहर में वाक़ है। तो आइए इस इंतहाई दिलकश चर्च का नज़ारा करते हैं। लॉरेंस कॉलेज चैपल इंतहाई खूबसूरत और दीदा जेब चर्च है, जिसका तर्ज तामीर नियोगोथिक है, और नियोगोथिक तर्ज तामीर में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट्स इस खूबसूरत चैपल में मौजूद हैं। चूँकि इसका ताल्लुक एक तालीमी इदारे से है जो कि लॉरेंस कॉलेज है, और उस वक्त मौजूद मरी में वो तमाम गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और आर्मी ऑफिसर्स के बच्चों को तालीम के लिए इस इदारे को इस्तेमाल किया जाता था, और ये चैपल उन मसीही लोगों के लिए इबादतगाह थी। अगर इसके तर्ज तामीर को हम डिटेल्ड देखें तो न्योगोथिक तर्ज तामीर में पाए जाने वाली पॉइंटेड आर्चेस, बेल टावर और उसकी ओरिएंटेशन, चूंकि इसकी ओरिएंटेशन ईस्ट टू वेस्ट है और ब्रिटिश इंडिया में बनाए गए जितने भी चर्चेज हैं उनकी ओरिएंटेशन को ईस्ट टू वेस्ट की ओरिएंटेशन में बनाया गया। और एक खूबसूरत बात यह है कि इसका बेल टावर इसकी नॉर्दर्न साइड पे बनाया गया, क्योंकि ये चर्च बहुत ही पुराना है, तकरीबन 125 साल से ज़ायद साल इसको बने हुए हो गए हैं। आज तक हमने जितने भी चर्चेस को डॉक्यूमेंट किया है उन सब चर्चेस में सबसे ज़्यादा प्रिजर्व्ड फॉर्म में बनाया गया ये चर्च है। अगर हम इसको एरियल व्यू से देखें तो हमें ये नॉन क्रॉसी फॉर्म में दिखाई देता है। ज़्यादातर एंग्लिकन चर्चेस क्रॉसी फॉर्म में बनाए जाते थे, और इसकी रूफ़ को देखें तो ये गैल्वनाइज्ड शीट में बनाई गई है, अभी तक अपनी अच्छी और बेहतरीन हालत में मौजूद है। और इसके अलावा अगर आप इसके फ्रंटल फेस पे देखें तो आपको ज़्यादातर इसमें ट्रिनिटी आर्चेस दिखाई देंगी, और ये ट्रिनिटी आर्चेस नियोगोथिक तर्ज तामीर और एंग्लिकन तर्ज तामीर का खूबसूरत नमूना है। लॉरेंस कॉलेज चैपल का फसाद इंतहाई खूबसूरत और नफीस है। अगर आप इसका फ्रंटल फेस देखें तो इसमें आपको पॉइंटेड आर्चेस नज़र आती हैं। इसमें वो सारे थियोलॉजिकल पैटर्न्स मौजूद हैं जो कि ओल्ड क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रंट फेस पे आप देखें पॉइंटेड आर्च के ऊपर आप एक इंतहाई दिलकश पैटर्न देखेंगे जिसमें आपको 3 फिश नज़र आ रही हैं। फिश का साइन ओल्ड क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियंस की पहचान का साइन था। जब वो एक दूसरे को देखते थे तो वो इस बात को पहचानते थे, ज़मीन पे एक साइन ड्रॉ करते थे ताकि वो एक दूसरे को बता सकें कि वो मसीही हैं। चूँकि अर्ली क्रिश्चियनिटी में इज़ार इसानी का दौर था तो लोग अपने आप को अपनी पहचान को बताने के लिए फिश का साइन बनाते थे। उसके अलावा पॉइंटेड आर्च के बॉटम पर आप देखें तो दो आपको फेसेस दिखाई देंगे जो कि स्टोन में कंधा किए गए हैं। ये उन अर्ली सेंट के फेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि अर्ली इब्तदाई मसीहियत के दौर में जो इज़ार इसानी से गुजरे थे। उसके अलावा अगर आपका इसका होल फेस का नज़ारा लें तो आपको लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पे 3 पॉइंटेड आर्चेस दिखाई देंगी जो कि ट्रिनिटी आर्चेस हैं, जिसके अंदर 3 छोटी विंडोज़ भी बनाई गई हैं। अगर आप इसके फ्रंटल अपर इसकी पॉइंटेड आर्च को देखें तो वो भी बहुत खूबसूरत है, जिसके दोनों साइड्स पे 2 टैरेट्स भी बनाए गए हैं। अगर हम इस खूबसूरत चर्च चैपल के बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो इस पे आपको ज़्यादातर मटेरियल वो दिखाई देगा जो हैंडमेड स्टोन है, यहाँ का उस वक्त का मटेरियल मौजूद था। जब ब्रिटिश इंडिया में गोरों ने आकर मरी को आबाद किया तो ये एक ब्रिटिश स्टाइल की बिल्डिंग यानी कि चर्चेस बनाना शुरू किया। मरी का सबसे पहला चर्च कहा जाता है कि होली ट्रिनिटी चर्च, जो कि मॉल रोड पर मौजूद है, जिसकी तामीर का काम 1850s में हुआ और 1857 में मुकम्मल हुआ। उसके बाद उसी तर्ज पे बनाया गया ये खूबसूरत चर्च
इसका मटेरियल अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके स्टोन्स को बड़ी खूबसूरती और महारत से बनाकर इसको लगाया गया। उसका कलर ग्रेइश टैन कलर भी आपको दिखाई देता है। और इसकी शीट जो इस पर इस्तेमाल की गई है, गैल्वेनाइज मेटल की शीट है, जो कि जब स्नोफॉल होती है तो उसका वेट भी ये बेयर कर सकता है। उसके अलावा अगर आप इसकी चारों कोनों में और लेफ्ट और राइट में देखें तो लोड बेयरिंग कॉलम्स भी बड़ी खूबसूरती से बनाए गए हैं, जो कि इसकी इस चर्च की ना सिर्फ खूबसूरती को बढ़ाते हैं, इसकी छत के और इसकी वॉल्स के लोड को भी बेयर करते हैं। जैसे ही हम इसके खूबसूरत पॉइंटेड आर्च के बनाए गए डोर से दाखिल होते हैं तो हमें नार्थेक्स में दो खूबसूरत रूम दिखाई देते हैं, जो कि मौजूदा दौर में स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जैसे हम चेंबर में दाखिल होते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंटेड आर्च बनाई गई है। अगर हम उस आर्च की उसकी दीवार की मोटाई को या विड्थ को देखें तो वो तकरीबन 2.5 फीट की उसकी विड्थ है, जो कि इसके खूबसूरत और मजबूत स्ट्रक्चर को जाहिर करता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एंट्री के राइट साइड पे हमें इस स्टेयरकेस नज़र आता है, जो कि खूबसूरत और ऊपर बनाया गया। आप वाज़े तौर पर डेक और इसकी इस गैलरी को देख सकते हैं, जो कि सारी की सारी लकड़ी से बनाई गई है। उसके अलावा इसकी दूसरी जानब एक खूबसूरत बैप्टिज्मल फाउंट भी बनाया गया है। अगर आप इसकी नॉर्दर्न साइड को देखें तो ये दरवाज़ा, जो कि पॉइंटेड आर्च में बनाया गया है, लकड़ी का खूबसूरत दरवाज़ा है, ये इसके नॉर्दर्न टावर में भी खुलता है, जिसमें भी जो कि मिनी नार्थेक्स का काम करता है और ये टावर को भी लीड करता है। अगर इसके ऊपर देखें तो मज़ीद 3 पॉइंटेड आर्चेस बनाए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत बेंचेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि उसी वक्त के बेंचेस हैं और उसी सॉलिड वुड से बनाए गए हैं। और अगर आप देखें, मैं नेव से गुजर रहा हूँ, आपको रेड कारपेट वाज़े तौर पर दिखाई देता होगा। इस कारपेट के नीचे एक पाथवे भी है, जो कि नेव को डिफाइन करने के लिए बनाया गया। अगर आप सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसमें लगभग 200 से 250 के करीब इस मेन चेंबर में लोग बैठकर इबादत कर सकते हैं। और इस मौजूदा चैपल का होना इस बात की अलामत है कि मौजूदा इंतज़ामिया ने भी मसीही तकरीबात पे इनको खोल के इबादत के लिए ओपन करते हैं, क्रिसमस और ईस्टर के लिए। ये ना सिर्फ इस मुल्क में मज़हबी हम आहंगी को फ़रोग देता है, बल्कि इस बात का इजहार भी है कि मसीही पाकिस्तान में रहकर अपनी इबादत गाहों में इबादत कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बहुत ही खूबसूरत नमूना है कि उन्होंने मसीहियों को उनकी इबादत के लिए ना सिर्फ तहफ़ फ्राहम किया है, बल्कि उनको इबादत के लिए आज़ादी भी फ्राहम की। व्यूअर्स, मैं अभी मौजूद हूँ इस खूबसूरत चर्च बिल्डिंग की क्रॉसिंग में। आमतौर पर हमने देखा कि क्रॉसिंग का ताल्लुक एक बड़े चर्च से होता है, क्योंकि ये चैपल बहुत ही वसी और खूबसूरत अंदाज में बनाया गया, तो इसमें क्रॉसिंग भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप नेव देख सकते हैं, इसमें आयल्स मौजूद नहीं हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें मेरी दोनों जानब, आपको इसका लिटर्जिकल अरेंजमेंट एंग्लिकन लिटर्जी के मुताबिक नज़र आएगा। उसकी दाहिनी जानेब बहुत ही खूबसूरत एलिवेटेड पुलपिट है, और ये वो पुलपिट है जो जब इस खूबसूरत चैपल को बनाया गया, उसको बहुत ही खूबसूरत स्टोन में कंधा किया गया। इसमें एंग्लिकन चर्च के ख़ास 4 पैटर्न लीव्स भी वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि इसकी दूसरी जानेब आप एक वुडन लैक्ट्रन भी देख सकते हैं साइड पर पड़ा हुआ है। एक और ख़ास और नायाब चीज़ हम आपको दिखाते चलें, चूँकि ये चर्च एंग्लिकन लिटर्जी को, उस डिसिप्लिन को, उसकी इबादत को जाहिर करता है। आपको बहुत ही खूबसूरत और मेलोडियस एक पियानो भी नज़र आएगा, जो कि ग्रैंड पियानो है, लकड़ी का है और अभी तक ये वर्किंग पोजीशन में है। उसके अलावा आप देखें इसके पीछे, मेरे पीछे वाज़े तौर पर एक बहुत ही खूबसूरत और वाइड पॉइंटेड आर्च दिखाई देती है। ये सेंचुरी और चर्च के मेन चेंबर को
سیپریٹ کرتی ہے، ڈیفائن کرتی ہے، جبکہ اس سینچوری کی بالکل پچھلی جانب آپ اس کی خوبصورت اور ایکزوٹک آلٹر کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ ان پوائنٹڈ آرچز میں اور اس سے باہر بھی دونوں والز پہ آپ بہت ہی خوبصورت انداز میں لگی ہوئی میموریل پلیکس کو دیکھ سکتے ہیں، جن کا تعلق نہ صرف اس چیپل سے تھا بلکہ اس تعلیمی ادارے سے بھی تھا جنہوں نے اس مری کے علاقے میں یا دیگر جگہوں پر اپنی خدمات سر انجام دی. جب یہ چرچ یا چیپل بنایا گیا اس وقت یہ فورتھ بشپ آف لاہور، جو کہ اینگلیکن چرچ کے بشپ تھے اس وقت کے، دا دین بشپ آف لاہور دا رائٹ ریورنڈ ہینری ڈرانٹریج اس وقت کے بشپ تھے. اور آپ ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو سٹنگ ہے اور اس کا پورا طرز تعمیر اینگلیکن چرچ کو ڈیفائن کرتا ہے، اور اینگلیکن لٹرجی کے مطابق اس چیپل میں عبادات ہوتی رہی ہیں. ویورز، ابھی ہم موجود ہیں لارنس کالج چیپل کی گیلری میں. اس کی گیلری بہت ہی خوبصورت اور وسیع ہے، اور اگر ہم دیکھیں اس کے جو مٹیریل کی طرف تو یہ مہاگنی وڈ سے بنایا گیا. ابھی ہم موجود ہیں اس انتہائی دلکش چیپل کی خوبصورت ترین آلٹر میں. اگر آپ اس کی سینچری کا بغور جائزہ لیں تو اس کی فیل اور اس کا ایمبیئنس جوش سینیگوگ کی طرح ہے. یہ بالکل اسی طرح کا کلر ہے، اس کا تھیم بالکل اسی طرح کا ہے، اور اس کی چھت بھی انتہائی دلکش سیڈر ووڈ اور فلائنگ بٹرسز میں بنائی گئی ہے. اور اس کی ایک خاص چیز آپ کو بتاتا چلوں، میرے پیچھے آپ اس کی انتہائی دلکش سٹین گلاس ونڈوز کو دیکھ سکتے ہیں. اس طرح کی سٹین گلاس ونڈوز ابھی تک کسی چرچ میں پریزرو اور انتہائی خوبصورت فارم میں موجود نہیں ہیں. جبکہ ایک جانب آپ دیکھیں ان میں ان دو جو سمال ونڈوز میں جو آرچز میں بنائی گئی اناجیل اربع جن سینٹس نے تحریر کی، ان فور کی آپ خوبصورت سٹین گلاس ونڈوز دیکھ سکتے ہیں. سینٹ میتھیوز اینڈ سینٹ لاک اور سینٹ لوکس اینڈ سینٹ جانز، ان کے خوبصورت امیجز ان قیمتی اور انتہائی منفرد سٹین گلاس ونڈوز میں دیکھ سکتے ہیں. اور اس کی جو مین سٹین گلاس ونڈو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، چونکہ اس کی فیل ایک جوئش سینیگوگ کی ہے، اس میں ایک خاص منظر کو بڑے خوبصورت انداز میں دکھایا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب جیسس کرائسٹ 12 ایئرس کے تھے تو وہ جوئش مین لیجنڈری سینیگوگ یا ٹیمپل میں گئے، جو ہیکل سلیمانی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے. وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکرائبز ان سے بات چیت کر رہے ہیں. اس وقت کے ریبائز جو مذہب کے سب سے بڑے کلرجی کے ممبرس تھے، ہائی پریسٹ تھے، وہ ان سے بات چیت کر رہے ہیں اور ان کی بات چیت سے حیران ہو رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنا نالج اور اتنی تعلیم کہاں سے آئی. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ہاتھ میں اسکرائبز ہیں، خاص بائبلیکل اسکرپچرز ہیں، جو ان کی باتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں کہ انہوں نے یہ علم کہاں سے سیکھا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی لوور سائڈ پہ بہت ہی خوبصورت آرچز بنائی گئی ہیں. یہ خاص ماربل سے بنائی گئی ہیں جن کے اوپر فور ٹیرٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. نیچے پوائنٹڈ آرچز بھی بڑے انتہائی دلکش انداز میں بنائی گئی. اسی آلٹر میں ایک میموریل پلیک اریکٹ کی گئی ہے. یہ میموریل پلیک وہ پلیک ہے جو یہاں کے جو لٹرجیکل ہیڈ یا یہاں کے جو بشپ تھے جن کے انڈر یہ چرچ تھا، ہی واز دا رائٹ ریورنڈ ہینری، جو فورتھ بشپ آف لاہور تھے جو اس کو ہیڈ کرتے تھے، جو اس کا ایک خاص نمونہ ان کی سٹنگ کا یہاں پہ ایپسکپل چیئر بھی ہمیں ملتی ہے جو اس پوائنٹڈ آرچ میں بنائی گئی، یہاں پہ بیٹھتے تھے. اس کے علاوہ آپ کو ایک خاص چیز اور بتاتا چلوں کہ جو اس کے ناردرن ٹاور کو انہی کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، انشرائن کیا گیا ہے کہ جو فورتھ بشپ آف لاہور کے نام کا ٹاور ہے. اس کے علاوہ پوائنٹڈ آرچ میں ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہے، ہولی کمیونین، جو کہ ایک
क्रिश्चियन कम्युनिटी का पिलग्रिमेज है, एक सैक्रामेंट है जो जीसस क्राइस्ट ने हुक्म दिया था। होली कम्युनियन के नवादरात को यहाँ पे रखा जाता था। उसके अलावा इसकी दूसरी जानब एक इंतहाई दिलकश चीज़ है जो कि तीन आर्चेस में बनाई गई। ये वो तीन आर्चेस हैं जिसमें मुआवन प्रीस्ट या रेवरेंट यहाँ पर बैठकर इबादत को चलाते थे। चूँकि ये एंग्लिकन लिटर्जी के मुताबिक है तो एंग्लिकन लिटर्जी को रिप्रेजेंट करते हुए इस चैपल की इबादत का अहतमाम होता था। उसके अलावा अगर आप देखें इसकी रूफ जो कि बेजवी या ओवल फॉर्म में बनाई गई। अभी हम मौजूद हैं लॉरेंस कॉलेज चैपल की गैलरी में। इसकी गैलरी बहुत ही खूबसूरत और वसी है, और अगर हम देखें इसके जो मटेरियल की तरफ तो ये महागनी वुड से बनाया गया। महागनी वुड की जो स्ट्रेंथ है वो सीडर वुड की स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका व्यू काफ़ी वाइडर है, और यहाँ पे तकरीबन 150 के करीब लोग गैलरी में भी बैठ कर इबादत कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इसकी खूबसूरत और दिलकश छत देखें जो इंतहाई मुनफरिद है, इसके जो दोनों डेक्स आप अगर वाइडर व्यू में देखें तो ये सीडर वुड से बनाए गए हैं, और इसके ग्रेन्स को आप बड़े खूबसूरत अंदाज में वाज़े तौर पर देख सकते हैं जो कि अभी तक अपनी प्रिजर्व्ड फॉर्म में मौजूद है। छत के साथ अगर हम फ्लाइंग बटरसेस की तरफ देखें तो इसकी फ्लाइंग बटरसेस भी महागनी वुड से बनाए गए हैं। चूँकि इसकी स्ट्रेंथ जैसा कि मैंने बताया ज़्यादा है, और इनमें अगर देखें तो मेटल का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके स्क्रूज़ हैं, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसके साथ जो लाइट्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। और अगर आप इसकी देखें इसके ऊपर जो रंग रोगन या इसके ऊपर जो पॉलिश है वो भी उसी दौर की है। और चूँकि इसका ताल्लुक एक इदारे से है, और वो इदारा इस चैपल की वक्तन फवक्तन इसकी प्रिजर्वेशन और इसकी मुरम्मत का ख्याल रखता है, इसलिए उन्होंने कोशिश ये की है कि इसकी हर चीज़ को, इसकी छत को, इसकी बटरसेस को और इसकी वॉल्स को अंदर और बाहर से बड़े खूबसूरत अंदाज में प्रिजर्व फॉर्म में इसको रखा जाए। यहाँ से अगर आप इसका नज़ारा करें, अगर आप गैलरी में बैठे हैं तो आप वाज़े तौर पर इसकी ऑल्टर को और इसमें मौजूद स्टेनड ग्लास विंडोज़ को बड़े खूबसूरत अंदाज में देख सकते हैं। और जैसे ही आप देखें वहाँ पर क्वायर गीत गाते हैं, और क्वायर का और प्रीस्ट का कनेक्शन जिस तरह आपस में है, उस तरह यहाँ पे गैलरी पे बैठ के लोग प्रीस्ट को फेस टू फेस देख सकते हैं, कलाम मुकद्दस की तलावत सुन सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बैठ के वाज़े तौर पर इसके सैक्रामेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रेवरेंड फरहाद असलम, जिनका ताल्लुक मरी के सबसे कदीम चर्च होली ट्रिनिटी चर्च मरी से है। आइए उनसे जानते हैं कि इस चैपल की इबादत की तरतीब क्या है और किन किन औकात में इबादत यहाँ पे होती हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस चैपल की कहानी क्या है। थैंक यू वेरी मच। जैसा आप ऑलरेडी बता चुके हैं, मरी के सबसे कदीम और तारीखी चर्च से मेरा ताल्लुक है, जो डायसिस ऑफ लाहौर चर्च ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए इंतज़ाम है। और इस वक्त हम अपने नाज़रीन के साथ लॉरेंस कॉलेज के चैपल के अंदर मौजूद हैं, और मैं यहाँ पर एक चीज़ वाज़े कर देना चाहता हूँ कि चर्च और चैपल के माबैन एक जो है मुख्तसर सी डिस्टिंक्शन है जिसको वाज़े करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। चर्च और चैपल के माबैन जो डिस्टिंक्शन है उसका ताल्लुक कॉन्ग्रीगेशन के साथ है, और चैपल जो है वो किसी भी सेटअप के अंदर किसी भी इंतज़ाम के अंडर सुपरविजन जो है वो प्लान किया जा सकता है, जो वहाँ के मौजूद मुलाज़मीन की रिलीजियस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। ठीक है, चैपल में पैरिश इन्वॉल्व होती है, लोग इन्वॉल्व होते हैं जो डिफरेंट जगहों से अपनी रूहानी चीज़ों की तकमील के लिए जो है उस चर्च का रुख करते हैं। जहाँ तक चैपल का ताल्लुक है, और ये जो है ये बढ़िया बेहतरीन प्रिजर्व्ड हालत के अंदर मौजूद है, जैसा आप अपने कैमरे की वसात से दिखा सकते हैं। और यहाँ पर जो बेहतरीन जो चीज़ है वो ये है कि एक
اداری کے اندر کسی چیپل کا ہونا جو ہے یہ بڑا ایک ڈفرنٹ سا میسج جو ہے وہ اسپریڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے ادارہ جو ہے اپنے ورکرز کو یا اپنے سبارڈینیٹس کو یا اپنے امپلائیز کو امپاور کرتا ہے کہ وہ اپنی ریلیجیس نیڈس کے لیے اپنے چیپل کا رخ کریں. لیکن نارملی چیپل کے اندر عباداتی ترتیب جو ہے وہ ریگولر گراؤنڈس پہ نہیں ہوتی. اس کو مختلف اوقات میں یا جب کبھی اسپیشل اوکیزنس لائک کرسمس یا ایسٹر ڈیز ہوتے ہیں تو باقاعدہ یہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے, لیکن ایز سچ ریگولر عبادات نہیں ہوتی. وہ صرف جو پیرش بیسڈ چرچ ہوتے ہیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں. اور یہاں پر ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بڑے ہی بہترین انداز میں اس چرچ کو جو ہے پرزرو کیا گیا ہے. جیسا کہ جو ہے 19ویں صدی کے آغاز سے اس چرچ کو اسٹیبلش کیا گیا تھا, تعمیر کیا گیا تھا, تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کونے کو صفائی ستھرائی کے ساتھ اور بہترین انداز سے جو ہے چرچ کو جو ہے ایک عبادت گاہ یعنی ایک ریلیجیس پلیس کے طور پر پرزرو کیا گیا. اور یہ ادارے کو, قوم کو اور دیگر تمام لوگوں کے لیے ایک بڑا کلیئر میسج ہے کہ کرسچینٹی یا مسیحی کس انداز میں اپنی عبادت گاہوں کے اندر جاتے ہیں اور اپنی جو اسپریچول نیڈس ہیں ان کے اکارڈنگلی جو ہے خدا ان کو بلیس کر رہا ہے. اور یہ بھی کہ ریاست نے ان کو کس طرح تحفظ فراہم کیا ہے اس ملک میں اور اپنی عبادات کو خوشی سے اور عقیدت سے کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی اس انفارمیشن کے لیے. تھینک یو ویری مچ. ویورز, اس خوبصورت چاپل کی صدرن سائڈ پہ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کثیر تعداد میں یہاں پہ گریوز بنائی گئی ہیں. یہ ان لوگوں کی گریوز تھیں جو کہ برٹش انڈیا میں جو لوگ جن کی ڈیپوٹیشن اس علاقے میں ہوئی اور اپنی سروس کے دوران جو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ان کی فیملیز کی اور اہل و عیال کی قبریں ہیں جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں. اور ان میں سے بعض گریوز پہ ان کی میموریل ورسز بھی لکھی ہوئی ہیں جو کہ جس کا تعلق کلام مقدس سے ہے, ان اولڈ اسکرپچر سے ہے, جن میں سے بعض پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ٹل ڈیتھ دے سروڈ دا لارڈ. تو ان کی میموری میں, ان کی سیکرڈ میموری میں ان گریوز کو یہیں پہ بنایا گیا تاکہ اس چرچ کے ساتھ ساتھ ان کی سروس کو بھی اسی طرح یاد رکھا جائے کہ دنیا کے اس حصے میں ان لوگوں نے آ کے تعلیم میں سرو کیا اور اس چرچ کے ساتھ ہی ان کی قبروں کو بھی بنایا گیا. یہ تھا ہمارا چرچز آف پاکستان کی سیریز کا ایک اور شاندار پروگرام لارنس کالج چپل مری پر. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس خوبصورت اور منفرد طرز تعمیر پر بنائے گئے چیپل کے بارے میں کافی معلومات حاصل کی ہوگی اور اس کے منفرد آرکیٹیکچر نے آپ کو محظوظ کیا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی چرچز آف پاکستان میں ایک اور شاندار چرچ کے ساتھ. اپنے ہوسٹ شمیم جان کو دیجئے اجازت. تب تک کے لیے خدا حافظ. کیپ واچنگ ڈسکور پاکستان, سب سے پیارا پاکستان.